तो चावल की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे चावल, तो 100 ग्राम चावल मैंने लिए, तकरीबन 150 ग्राम चीनी, तकरीबन 100 ग्राम नारियल सूखा, मुट्ठी भर या 50 ग्राम बादाम, मुट्ठी भर या 50 ग्राम काजू, 5 इलायची छोटी वाली, ये किशमिश ऑप्शनल है। दूध आपने जो लेना है वो फुल क्रीम दूध लेना है। नारियल को ग्रेट कर लिया है, काजू छोटे छोटे काट लिए, बादाम भी छोटे छोटे काट लिए, इलायची मैंने क्रश कर ली है और उसके सीड्स निकाल लिए हैं। चावल मैंने अच्छे से धो दिए, इनको भिगो दिया है और तकरीबन 10-15 मिनट भिगोने के बाद इनका पानी ड्रेन कर लेंगे और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। शुरू करते हैं। तो खीर बनाने के लिए आप एक स्पैचुला ले लें और एक हैवी पैन या कोई भी पॉट ले लें, बस गैस ऑन करें, तो फुल फैट क्रीम दूध है वो डाल दें। अब जो बेसिक फंडा है आपको करना ये है कि आप दूध को लगने मत दें, बीच बीच में इसे स्टर करते रहें। ये थोड़ा थकाने वाला प्रोसेस है बट इससे ही रिजल्ट आएगा। अब आप देखेंगे कि दूध में अच्छे से उबालना शुरू हो गया। याद रखें कि जलना नहीं चाहिए दूध, दूध जो है वो फुल हाई फ्लेम पे गर्म हो रहा है। चावल की खीर जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप से बनती है। काफ़ी लोग पतली पसंद करते हैं, काफ़ी लोग गाढ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं। खीर को खाने के कई तरीके हैं, आप चाहें तो ठंडी करके खाएं या गर्म करके खाएं। खीर कैसे भी खाइए, खीर अच्छी लगती है गर्म या ठंडी। दूध पकाते वक्त एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो फ्लेम है, फ्लेम आपकी इतनी होनी चाहिए हाई कि दूध फैले ना, और इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि पके ही ना। सो आपकी जो फ्लेम है वो काइंड ऑफ मीडियम हाई होनी चाहिए, बस दूध फैलना नहीं चाहिए। अगर फैल रहा है या उफन रहा है ज़्यादा तो आप उसे कंट्रोल करें। आइडिया यह है कि आपको दूध जल्दी से जल्दी पकाना है। दूध अब कंपैरेटिवली काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है, राइट टाइम है अब ग्रेटेड कोकोनट डालने का। मुझे तकरीबन 7 मिनट हो गए, तो अब यहाँ पे मैं कोकोनट डालूँगा, ग्रेटेड कोकोनट। अब मैं इसमें राइस डालता हूँ जो हमने भिगो के रखे थे, ट्रीन कर लिए थे। राइस की क्वांटिटी हमेशा बहुत कम होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि चावल डालने के तुरंत बाद आपको गैस को है हल्का कर देना। तो मुझे चावल डालने के बाद पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी बदल गई है। देखिए मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, इसे बीच बीच में चलाते जरूर हैं वरना ये खीर जल जाएगी और आपको जो टेस्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। उसको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए खीर बनाने में, अदरवाइज बहुत ही सिंपल डिश है। जैसे मैंने शुरू में बोला, इसमें 7-7 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। तो अब जो खीर है वो काफ़ी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। अब ये जो है ये राइट टाइम है चीनी डालने का, तो मैं अब इसमें चीनी डाल दूँगा। अगेन, अगर आपको चीनी कम पसंद है या ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने तुरंत बाद ही ये थोड़ा पतला होना शुरू हो जाएगा, तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कम मीठी पसंद है तो मैंने अपने हिसाब से डाली चीनी। सो मेरे हिसाब से अभी एकदम राइट टाइम है ड्राई फ्रूट्स डालने का, तो इसको भी मुझे गलती सारी ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ये गए अपने बादाम, ये गए कैशू और ये गया इलायची पाउडर या इलायची के दाने। सो इसे बस अब थोड़ा सा ही पकाना है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। किशमिश मैंने अभी इसमें नहीं डाले, कुछ लोगों को पसंद होते किशमिश, कुछ को नहीं। मैंने क्या करना है, मैं अब इसके दो पार्ट्स कर लूँगा। किशमिश मैं लास्ट में भी डाल सकता हूँ, मतलब एक पार्ट ऐसा हो जाएगा जिसमें किशमिश नहीं होगा, उनके लिए जिन्हें किशमिश नहीं पसंद, दूसरा पार्ट ऐसा होगा इसमें आप किशमिश डाल सकते हैं उनके लिए जिन्हें किशमिश पसंद है। चाहें तो किशमिश आप भिगो कर रख दें, अगर आपको अलग से डालना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम बेहतरीन खीर। जब इस स्टेज पे उफान आने लगे, जैसा बड़े बड़े बबल्स देख रहे हैं, यही राइट टाइम है गैस को बंद करने का और आपकी खीर ऑलमोस्ट रेडी है। मुझे इसी कंसिस्टेंसी की पसंद है, आप चाहें तो गाढ़ी कर सकते हैं, मुझे गाढ़ी नहीं करनी। और मैं आप गैस को बंद कर देता हूँ, गैस मैंने बंद कर दी है और खीर रेडी है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बिल्कुल क्लोजअप में, परफेक्ट खीर। अभी सेम है दोनों चीज़ें,
आप चाहें तो इसमें कुछ किशमिश डाल दें। ये हो गई आपकी किशमिश वाली खीर, ये हो गई आपकी बिना किशमिश वाली खीर। तो किशमिश वाली खीर में आप किशमिश को डुबा दें अच्छे से। डुबाने के बाद इसे छोड़ दें 2-4 मिनट, सो किशमिश फूल जाएंगे। आपकी खीर रेडी है खाने के लिए। थैंक्स।